ओके सो आज ही आपको पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका था, ब्रोशर भी रिलीज हुआ है और महाराष्ट्र की इंजीनियरिंग की एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो गई है। इंजीनियरिंग की एडमिशन प्रोसीजर जैसे आज स्टार्ट हुई है, वैसे ही फार्मा की भी स्टार्ट होगी और वैसे ही नाटा के बेस्ड, नाटा एग्जामिनेशन के पे बेस्ड आर्किटेक्चर की भी एग्जामिनेशन स्टार्ट होगी। जैसे मैंने बोला था 16 को फॉर्म आया था एग्रीकल्चर का, 4-5 दिन में आना चाहिए था, तो आज ही एग्जैक्टली 5वें दिन में ये फॉर्म आ चुका है। अब 1-2 दिन में, कल परसों, फार्मा और आर्किटेक्चर के भी फॉर्म आ जाएंगे। सेम प्रोसीजर है जो इंजीनियरिंग के है, वही आर्किटेक्चर की है, वही नाटा सॉरी वही फार्मेसी की भी है। सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जो मार्क्स रहेंगे वो आर्किटेक्चर के लिए नाटा के यूज होंगे, यहाँ पे हमारे सीईटी जेई के यूज होंगे। अगर आप फार्मेसी में जाना चाहते हो तो आपके नीट के मार्क्स या फिर एमएचटी सीईटी के पीसीएम पीसीबी के मार्क्स, जो भी आपने दिया होगा अकॉर्डिंगली आपको उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो एक जनरल पॉइंट से फिर से रिपीट करता हूँ, कुछ लोगों ने कल का सेशन नहीं देखा होगा, कुछ लोगों ने कल का सेशन दिया देखा भी होगा, पर फ्रॉम द स्टार्ट मैं यहाँ से मतलब पहले से स्टार्ट तो इलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ वहां से ही करता हूँ। तो ब्रोशर में जो इलिजिबिलिटी आई है वो तो यहाँ पे आज पे ये भी मेंशन है। बायोलॉजी का कुछ बहुत सारे लोगों का ये था कि सर बायोलॉजी में जिनका ग्रुप है पीसीबी ही है, पीसीएम नहीं ही है, तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या? तो जितना मैंने ऊपर ऊपर से ब्रोशर देखा है, क्योंकि आज पूरा दिन फुल काउंसलिंग में ही था, तो जितना भी ब्रोशर मुझे देखने के लिए मिला, मैंने बायोलॉजी डायरेक्टली सर्च करके देखा, तो ऐसा कुछ पॉइंट अभी तो मेंशन नहीं है। अगर पीसीबी का भी एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो वैसा मैं ऊपर स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा, पर अभी जो एलिजिबिलिटी है वो सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपका ग्रुप क्वालिफाई है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रखा है इस बार, 45%। सो 45% है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मिला के आपको बोर्ड में, तो आप एलिजिबल हो। और आपका नॉन जीरो पॉजिटिव स्कोर है तो आप एलिजिबल हो इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए। अगर जिनका भी आप कैटेगरी में बिलोंग करते हो, एससी एसटी ओबीसी NT1 2 3 वीजे, तो उनके लिए यही क्राइटेरिया थोड़ा और कम है, वो 40% है, मतलब 120 मार्क्स आउट ऑफ 300 पीसीएम को, और सेम सीईटी जेई को पॉजिटिव स्कोर सिर्फ चाहिए, और दोनों का स्कोर के साथ हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सिर्फ फार्मेसी के लिए डिस्कशन करना है तो वो बोर्ड वाला क्राइटेरिया सेम ही रहेगा, वहां पे सिर्फ जेई के मार्क्स नहीं यूज होंगे, नीट या फिर सीईटी के पॉजिटिव स्कोर लगेंगे। आर्किटेक्चर के तो लिए नाटा का एलिजिबिलिटी अलग है, और अकॉर्डिंगली वो भी हम बाद में अगर किसी को जरूरत लगती है तो वो भी डिस्कशन कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट एलिजिबिलिटी में जब हम डिस्कशन करते हैं ना, तो एलिजिबिलिटी में आपको फॉर्म भरते वक्त आपने सीईटी नहीं भी दिया होगा तो भी ये फॉर्म भर सकते हो, ये आप ध्यान में रखो, क्योंकि ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए भी अब ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। जैसे मैंने कल के सेमिनार में बोला था, सीओईपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ये अब सीओईपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी बन चुका है, और उसके लिए आईसीटी जैसे, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी माटुंगा जैसे रूल्स बन सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आज जो आया रूल तो वैसे ही आया, और उसमें जो मेंशन किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रोशर आपके साथ स्क्रीन पे भी शेयर कर सकता हूँ, पर आपने ऑलरेडी देखा होगा, मैंने सारे ग्रुप पे भी डाला है, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला है, तो उसमें ये क्लियरली मेंशन किया है कि आईसीटी जैसा 30% तो कोटा नहीं है जेई मेंस के मार्क्स पे बेस्ड, पर 20% कोटा आया है, तो 80% सीट जो है वो फिर से महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए ऑन द बेस्ड ऑफ सीईटी स्कोर ही रहेगी, पर 20% कोटा ये महाराष्ट्र का स्टूडेंट या फिर महाराष्ट्र के बाहर का स्टूडेंट सीओईपी में ऑन द जेई मेन स्कोर क्लेम कर सकता है। तो वो इस साल से अलग कोटा स्टार्ट होगा, अगर किसी को सीओईपी में आना था तो उसका महाराष्ट्र डोमेसाइल रहना, उसका 11th 12th यहाँ से होना इम्पोर्टेंट था, पर अब ऐसे कुछ जरूरत नहीं लगेगी, अब उसने सिर्फ और सिर्फ जेई भी दिए तो भी वो कोर्स में सीओईपी में कौन से भी कोर्स में आ सकता है। तो ऐसा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था ब्रोशर में, ये उसमें टाइमलाइन भी दी है, उसके लिए एक नोटिफिकेशन अलग से भी था, उस टाइमलाइन में मेंशन किया है कि आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 4 तारीख तक हमें फॉर्म ये भरने हैं। पर ये फॉर्म भरते हैं वक्त आपको सारे प्रेफरेंस की जरूरत अभी नहीं लगेगी, प्रेफरेंस का टाइम बाद में दिया जाएगा और उसमें आपको ये प्रेफरेंस भरने हैं। अभी तो फिर क्या करना है, तो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। मैंने जैसे बोला था सीईटी बहुत सारे लोगों ने दी होगी, इस सीईटी का स्कोर पीसीएम का अगर किसी को इंजीनियरिंग करना है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को फार्मेसी में जाना है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को एग्रीकल्चर में जाना है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको इन तीनों में से कौन से भी कोर्स में जाना है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे वो एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई करेंगे, इंजीनियरिंग को आएंगे ही नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे जो कि
डायरेक्टली फार्मेसी में जाएंगे, इंजीनियरिंग का फॉर्म ही नहीं भरेंगे। तो हमारा एक स्टेट मेरिट रैंक जनरेट होना चाहिए जो इंटरेस्टेड है इंजीनियरिंग प्रोसेस में, उसके लिए जो फॉर्म निकलता है वो आज से स्टार्ट हो गया। नॉर्मली जब ब्रोशर निकलता है तो पहले उसमें रूल्स वगैरह आते हैं, नोटिफिकेशन आता है और दूसरे दिन ये फॉर्म स्टार्ट भी हो जाता है। सेम दिन ही ये फॉर्म ब्रोशर भी आ गया और ये फॉर्म स्टार्ट भी हो गया। सीटीसेल का आज पीजी का नोटिफिकेशन भी मेडिकल का ऐसे ही आया था। सो आज सीटीसेल प्रॉपर एक्टिव हो चुका है और आपका एडमिशन होने तक ऐसा ही एक्टिव रहेगा। तो ये कौन सी वेबसाइट है जहां पे आपको ये पूरा ध्यान रखना है, तो वो वेबसाइट है, नोट करके रखिए, महासीईटी.org, महासीईटी.org। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके आपको ये दिखा सकता हूँ। क्या मैं एक बार चेक करता हूँ, आपके पास ये ब्रोशर है और आपको सर्च करना है महासीईटी, उसके बाद आपका पहला ही वेबसाइट आ जाएगा महासीईटी.org। उस पर आपको दो पोर्टल दिखेंगे, एक है कैप पोर्टल, दूसरा है सीईटी पोर्टल। आपको दोनों पोर्टल इंपॉर्टेंट ही है, पर जो कैप पोर्टल है वो आपको एक्चुअल फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट है और बाकी जो सीईटी पोर्टल जो है वो आपको जो पिछले साल के कट ऑफ थे वो देखने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपको पहले कैप पोर्टल में कैसे लॉगिन करना है, इसके लिए ये सीएपी मतलब सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस वाला पोर्टल पे क्लिक करता हूँ। ये आज का नोटिफिकेशन है, इसमें ये नोटिफिकेशन पे हम अगर क्लिक करते हैं तो इसमें सारी टाइमलाइन दी गई है कि कैसे कैसे ये प्रोसीजर होगा, कौन कौन इलिजिबल रहेगा, कितना परसेंट पे इलिजिबल रहेगा, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। अगर किसी की इलिजिबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम है तो वो कैसे यहाँ पे क्लेम कर सकता है और उसके लिए इलिजिबिलिटी केमिस्ट्री को रिप्लेस करके क्या केमिस्ट्री का अगर उसका अगर 45% ही नहीं बन रहा है तो वो कैसे क्लेम कर सकता है, अगर उसका कोई वोकेशनल कोर्स वगैरह है, तो ये सारा क्लियरली यहाँ पे मेंशन करके रखा है। इसमें अगर किसी ने सीईटी का फॉर्म भरते वक्त पेमेंट नहीं किया हो, मतलब सीईटी का फॉर्म एग्जामिनेशन ही नहीं दिया है, वो अप्लाई करना चाहता है तो उस केस में वो 800 रुपए 600 रुपए यहाँ पे कर सकता है एज पर देयर कैटेगरी, ये मेंशन किया है। अगर किसी ने सीईटी का फॉर्म भर दिया है और उसके मार्क्स के थ्रू भी वो यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है तो इन दैट केस उसका ऑलरेडी पेमेंट सीईटी के वक्त हो चुका है तो आपको फिर से पेमेंट करने की जरूरत नहीं, ये यहाँ पे मेंशन किया है। बाकी यहाँ पे शेड्यूल आ गया है तो कौन से डेट से कौन से डेट तक आपको फॉर्म फिलिंग का टाइम है ये यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन है, तो 4 तारीख तक ये भरना है फॉर्म हमें। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट मैंने जो अभी जिक्र किया, मेरिट लिस्ट मतलब जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है जिनको इंजीनियरिंग में महाराष्ट्र में इंटरेस्ट है वो उनकी एक लिस्ट डिस्प्ले करेंगे और वो लिस्ट जो आएगी उसको पहले हम बोलते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रहती है उसको प्रोविजनल क्यों कहलाया जाता है, क्योंकि उसके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें से बहुत सारे लोगों ने गलत भी भर दिए रहते हैं। तो अगर वो फाइनल मेरिट लिस्ट करनी है तो उसके लिए वेरिफिकेशन होना चाहिए और उस वेरिफिकेशन में अगर किसी ने वेरिफिकेशन करते वक्त कुछ कमियां है तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आउट हो चुका है तो उसके लिए और 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। यहाँ पे अगर हम शेड्यूल में देखेंगे तो 7 तारीख के बाद में भी 8, 9, 10 इन 3 दिन में वो ग्रीवियंस कुछ है, आपको कुछ क्वेरी है, आपका रिजोल्व नहीं हुआ था प्रॉपरली जो भी उन्होंने क्वेरी निकाला था तो वो क्वेरी रिजोल्व करने के लिए टाइम दिया है और उसके बाद ये फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश होती है। इसमें आपको ये पता चल जाता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप कौन से नंबर पे हो, आप अपने स्टेट में कौन से नंबर पे हो, आप जेई के हिसाब से ऑल इंडिया रैंकिंग कैसा रखते हो, आप सीईटी के बेस्ड गर्ल्स में कितने रैंक पे हो और आप गर्ल्स एंड बॉयज मिला के कौन से रैंक पे हो, आपके कैटेगरी के हिसाब से आप कैटेगरी में कितने रैंक पे हो, यूनिवर्सिटी में जो आपके कैटेगरी के स्टूडेंट्स है उतने में आप कौन से नंबर पे वहां पे स्टैंड कर रहे हो, तो ये सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जस्ट 1 मिनट। ओके, सो ये आपको यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है। उसके बाद 10 तारीख के बाद आपको फाइनल एक मेरिट लिस्ट बनने के बाद एक सीट मैट्रिक्स मिलेगा 12 तारीख को। सीट मैट्रिक्स मतलब क्या, कौन से कॉलेजेस में इस साल कौन सी ब्रांचेस बढ़ी है,
अगर जो ब्रांच पहले से थी उसमें अगर किसी का इनटेक बढ़ के मिला है क्या, अगर किसी को कंप्यूटर साइंस चाहिए तो पीआईसीटी में कितने सीट्स है, ये बहुत जानकारी वो हमेशा इंटरेस्टिंग पॉइंट रहता है कि बड़े बड़े है क्या इस साल सीट, बड़े है क्या इस साल सीट। तो अगर किसी को पीआईसीटी में एडमिशन चाहिए या फिर एसपीआईटी में एडमिशन चाहिए तो कितने सीट्स है वो अगर आपको चेक करना है तो आपको 12 तारीख को एग्जैक्टली पता चल जाएगा, जब ये आपको सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो जाएगा। 13 दिन से 13, 14 और 15 तारीख को आपको एक्चुअल फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको आपका जो भी फॉर्म रहेगा वो प्रेफरेंस फॉर्म आपको इससे पहले ही रेडी रखना है। अभी आप किसी काउंसलर के साथ ज्वाइन भी हो तो भी उनके पास और आपके पास बहुत सारा टाइम है, पहले आप रजिस्ट्रेशन करके रखो और उसके बाद हमारे पास कम से कम 10-15 दिन का तो मिनिमम टाइम है। आप 4-5 दिन पहले भी आपका प्रेफरेंस रेडी रखोगे तो भी इशू नहीं। एक्चुअल प्रेफरेंस फॉर्म जो हमें भरना है कैप राउंड वन का, उसका डेट है 13। सो 13 पहले ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करना इंपॉर्टेंट है। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर मतलब क्या होगी ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। सो ये बेसिक डिटेल्स तो आपको अब मिल चुके होंगे कि कैसे कैसे शेड्यूल रहेगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको ऑनलाइन, ये भी आपको एक सैम्पल दिखाऊंगा, पर यहाँ पे उसका भी गाइडलाइन दिया हुआ है मराठी में या फिर हिंदी में, आपको मराठी में और इंग्लिश में, सॉरी, आपको यहाँ पे एक पीडीएफ पब्लिश की गई है और उसमें सारे गाइडलाइंस है, स्क्रीनशॉट निकाला है और वो आपको वहां पे क्या क्या फिलअप करना है वो प्रॉपरली मेंशन किया है। तो आपको ये थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है कि प्रॉपर पहले फॉर्म फिलअप से आप एक, मेरा मेरा तो यूट्यूब वीडियो एक आ ही जाएगा 2 दिन में, कल ही परसों, तो कैसे फॉर्म भरना है। और अगर किसी को पहले ही फॉर्म भरना है तो इन दैट केस आपको वो पीडीएफ प्रॉपर रीड करना है, कौन से स्टेप पे क्या क्या करना है और बाद में ही ये फॉर्म फिलअप करना है। पहला फॉर्म रहता स्टेप रहेगा तो आपको सिंपल है कि जिसने भी सीईटी का फॉर्म भरा उसको एप्लीकेशन नंबर दो, उसका बर्थ डेट दो, वो ऑटोमेटिकली स्कोर आ जाएगा। किसको जेई के लिए स्कोर ऐड करना है तो वो ऐड करो। पर्सनल डिटेल्स रहते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, बर्थ डेट, ये सब फिलअप कर दो और उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करो और हमारा एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। EN22 ए स्टार्टिंग रहेगा और आगे वाला जो भी नंबर है वो आपको मिल जाएगा। वो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद और पासवर्ड जनरेट होने के बाद आपको एक SMS आता है पासवर्ड का और एप्लीकेशन नंबर का, वो आपको नोट करके रखना है और ये किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसीजर है, ये तो पहला स्टेप हो गया, ऐसे ही टोटल 8 स्टेप है तो आपको ये सभी स्टेप फॉलो करने हैं, आपके सारे डिटेल्स फिलअप करने हैं और ये फॉर्म कंप्लीट करना है। जनरल डिटेल्स रहता है, उसमें कुछ गलतियां हो ही नहीं सकती एक्चुअली, पर वहां पे पूछा जाएगा 10th आपका कहाँ से हुआ है, तो आपको वो बोर्ड प्रॉपरली सिलेक्ट करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट प्रॉपरली सिलेक्ट करना है। ऐसा ही 12th के लिए पूछा जाएगा, वो आपको प्रॉपर सिलेक्ट करना है। अगर आपका स्टेट बोर्ड से 10th और 12th हुआ है तो वो फॉर्म में ऑटोमेटिकली 10th और 12th के मार्क्स आ ही जाएंगे। पर सपोज आपका CBSE, ICSE, इसमें अगर आपका 10th और 12th हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये मार्क्स फिलअप नहीं होंगे, आपको मैन्युअली यहाँ पे आपका स्कोर एंटर करना पड़ेगा। सो ये टोटल स्ट्रक्चर रहेगा फॉर्म्स का। उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट के हिसाब से भी पूछा जाएगा, डू यू बिलोंग टू TFWS। तो TFWS क्या है, ट्यूशन फी वेवर स्कीम। जिसको भी ट्यूशन फी वेवर स्कीम का बेनिफिट लेना है तो वो, अगर आप उसका इनकम कम है 8 लाख से भी कम तो वो इस स्कीम के अंडर आता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका तहसीलदार ऑफिस से आपको एक इनकम सर्टिफिकेट लेना है, वो अगर डिनोट करता है कि योर फैमिली इनकम इज बिलो 8 लाख देन यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ TFWS। ट्यूशन फी का एग्जाम्पल बताता हूँ कि अगर किसी प्राइवेट कॉलेज की फी 1,50,000 तक है और अगर आप TFWS से उस कॉलेज में सीट लेते हो तो आपको जो भी सीट मिलेगी तो उसके लिए ऑलमोस्ट 1,35,000 का वेवर हो जाएगा। मतलब आपको भरते वक्त सिर्फ और सिर्फ पेमेंट कितना करना है, 15,000 तक का ही पेमेंट हमें करना है। सो इतना वेवर अगर आपको चाहिए तो आप TFWS से अप्लाई कर सकते हो। नो डाउट ये सबको नहीं मिलता है, ये अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो इसके लिए आपके पास बिलो 8 लाख वाला इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। और ऐसे जितने भी कैंडिडेट होंगे उनका भी एक TFWS रैंक भी रहेगा, वो अकॉर्डिंगली TFWS कोटा से अप्लाई करेंगे और उसपे उसमें भी मेरिट लगेगा और अकॉर्डिंगली ये सारा एडमिशन प्रोसीजर होके उनको बाय मेरिट वो TFWS की सीट मिल सकती है, उनके चांसेस रहते हैं। पर उसमें भी अगर आप कौन से भी कैटेगरी से हो
तो आपको ये चांस रहता है। बहुत बार ये अपने अपने लोकल जो ग्रुप रहते हैं वो सिटीज के हो या फिर पर्टिकुलर कम्युनिटीज के हो, तो उस पर मैसेज आ जाता है कि पर्टिकुलर ये इस पर्टिकुलर कास्ट के लिए है, इस पर्टिकुलर कास्ट के लिए है। तो ये ओपन टू ऑल है, पर 100% SC ST NT1 NT2 NT3 ऐसे स्टूडेंट को ये सलाह रहेगी आप TFWS से मत अप्लाई करो, क्योंकि TFWS में मेरिट ज्यादा लगता है ओपन से भी। अगर आप NT1 2 3 भीजे या फिर SBC या फिर SC ST ऐसे कोटा में हो, तो आपको ऑलरेडी वो फी तो बेनिफिट है ही, प्लस आपका कट ऑफ भी कम है एज पर, अगर आपको अच्छी ब्रांच और अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपके लिए सलाह रहेगी कि आपको TFWS से अप्लाई नहीं किया करना है। तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका कोई ऐसा स्पेशल रिजर्वेशन है क्या, लाइक डिफेंस या फिर फिजिकली हैंडीकैप, तो वो भी आपको मेंशन करना रहता है। उसके भी हैंडीकैप के टाइप वहां पे मेंशन करने रहते हैं। उसके बाद आपको अगर कौन सी माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में गुजराती माइनॉरिटी, सिंधी माइनॉरिटी, या फिर आपको मुस्लिम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, ऐसे कॉलेजेस है मुंबई में, ज्यादा कॉलेजेस है ऐसे माइनॉरिटी वाले, अगर आपको उसका बेनिफिट लेना है तो आपके पास ये सर्टिफिकेट, इसका कुछ ना कुछ प्रूफ रहना इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप क्या प्रूफ रखोगे, आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे ये मेंशन रहता है, आपका मदर टंग लिंग्विस्टिक गुजराती है तो आपको वो बेनिफिट मिल गया। आपका अगर मुस्लिम इस्लाम ऐसा कुछ लिखा है आपके सर्टिफिकेट पे तो आपको ये बेनिफिट मिल गया। ऐसा कुछ भी नहीं है तो डोंट वरी, आपके लिए भी दूसरे कॉलेजेस रहते हैं, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि मेडिकल जैसा इंजीनियरिंग में 100% सीट्स आर रिजर्व फॉर पर्टिकुलर दैट कैटेगरी, उसमें से 51% सीट्स ये रिजर्व रहते हैं। बाकी कोटा जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे कैसे ये प्रोसीजर होता है। तो इस प्रोसीजर के लिए अप्लाई करना है तो वो भी वहां पे सिलेक्ट करना पड़ता है और वो सबमिट करके लास्ट स्टेप तक आना रहता है। ऐसा अगर आपने 8 स्टेप कंप्लीशन करने के बाद, आपको ऑटोमेटिकली वहां पे आपका 10th 12th भरने के बाद ये भी पता चल जाएगा कि आपकी होम यूनिवर्सिटी कौन सी है। आपका अगर 12th पुणे से हुआ है तो आपका होम यूनिवर्सिटी बन जाएगा पुणे यूनिवर्सिटी। आपका अगर 12th मुंबई से हुआ है तो आपका ऑटोमेटिकली होम यूनिवर्सिटी बन जाएगा मुंबई यूनिवर्सिटी। आपका अगर 12th कोल्हापुर सातारा इस जगह से हुआ है, ऑटोमेटिकली आपका यूनिवर्सिटी बन जाएगा कोल्हापुर यूनिवर्सिटी या फिर शिवाजी यूनिवर्सिटी। ऐसे ही हर एक के ऑटोमेटिकली बहुत सारे हमें यूनिवर्सिटीज, होम यूनिवर्सिटीज अलॉट हो जाएंगे। आपको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। जब आप 11th और 12th कहाँ से आपका हुआ है ये मेंशन कर देते हो तो ऑटोमेटिकली नीचे ये तैयार हो जाता है। सो ये तो हो गया होम यूनिवर्सिटी के बारे में, इसके रूल्स और होम यूनिवर्सिटी के बेनिफिट्स ये मैं आगे सेमिनार में आपको एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट पेज में आके आपको ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी बताया वो अपलोड करने रहते हैं। इसकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी पब्लिश मतलब एक वीडियो भी बनाया है यूट्यूब पे, वो भी आप देख लीजिए। और प्लस आपकी ये जो लिस्ट है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की वो भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे मेंशन कर ही दिए, पर एक बार रिपीट करता हूँ आपको क्या क्या जरूरत होगी। एक अब तो आप एडमिट कार्ड, आपका जिस कोर्स के साथ आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि आपका JEE है तो JEE का एडमिट कार्ड, नीट है तो आपका नीट का एडमिट कार्ड, JEE आपने जब फॉर्म भरा था, फिर CET का जिस वक्त आपने फॉर्म भरा था उस टाइम आपको एक कंफर्मेशन पेज मिला होगा पैसे पे करने के बाद, वो भी आपके पास रहना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको 10th का 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट ये रहना इम्पोर्टेंट है। 10th का तो आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट रहना इम्पोर्टेंट ही है, 12th का सबके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, तो 12th का सिर्फ मार्कशीट रहेगा तो भी इनफ है। कॉलेज ने आपको लीविंग सर्टिफिकेट दिया होगा वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि कॉलेज का लीविंग सर्टिफिकेट पे आप हमारा हमारी मदर टंग, हमारा रिलीजन ये सब मेंशन रहता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी को अगर कौन सा भी बेनिफिट भी नहीं लेना है तो भी लीविंग सर्टिफिकेट अपलोड करना, जिसको हम TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर लीविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो अपलोड करना इम्पोर्टेंट है। नेशनैलिटी डोमेसाइल, जिसके पास अगर नेशनैलिटी अभी तक नहीं बनी है अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पोर्टल तो स्टार्ट हो चुका है और हमारे पास 4 तारीख तक का ही टाइमिंग है, तो नोटिफिकेशन आने तक ऑलरेडी मैंने ये 2-4 बार वीडियो में बताया था, पर बहुत सारे अभी भी स्टूडेंट्स हैं जिनका डोमिसाइल रेडी नहीं है। डोमिसाइल रेडी नहीं है तो आप उसके जगह पे लीविंग सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, पर बेटर है कि आप नेशनैलिटी और डोमिसाइल बना के रखो। शायद से 7-8 दिन में बन जाएगा, पर आपको ये अप्लाई करके रखना इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको SC ST OBC NT 1 2 3 VJ, इसमें EWS में नहीं बोलूंगा, पर बाकी सारे कैटेगरीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन के अंडर जो आते हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और एससी एसटी छोड़ के बाकी सारे कैटेगरीज के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन में आते हैं उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर ये भी होना इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये भी लोग पूछते हैं कि सर हमारे पास अभी तक टोकन है, हमने निकालने के लिए तो दिया है पर अभी तक वो मिला नहीं है, तो इन दैट केस हमें वो सिर्फ टोकन अपलोड करेंगे हम तो चलेगा क्या? तो नहीं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अब ओरिजिनल अपलोड करने पड़ते हैं, वो भी कलर्ड कॉपी जो भी है वो। पर आपके पास अगर टोकन है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, आपको वो मैक्सिमम टाइम जैसे मैंने बोला अभी शेड्यूल में देखिए वो एक ग्रीवियंस वाला टाइम रहता है, उस टाइम तक आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपका ओपन मेरिट से कंसिडरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे कौन से भी। अगर आपका नॉन क्रिमिनल बन रहा है पर आपका लिमिट जो नॉन क्रिमिनल के लिए नॉर्मली जो इनकम लिमिट रहता है वो 8 लाख का है, वो 8 लाख से बढ़ जाएगा क्या, 10 लाख बनेगा क्या, पता नहीं, इस साल तो बनेगा ऐसा लगता नहीं है, पर आपका जो भी आज का रूल है वो 8 लाख का ही है। 8 लाख से अगर आपका इनकम ज्यादा है तो नॉन क्रिमिनल शायद से आपका बनेगा नहीं, अगर बन गया तो ठीक है, पर अगर नहीं बनता है तो बहुत बार ये भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम रेडी है कि पूरा पैसा देने के लिए पर हमें कैटेगरी का बेनिफिट चाहिए, तो ऐसा होगा नहीं, आपको 3 सर्टिफिकेट है तो ही आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ईडब्ल्यूएस आप अपने साथ, वो भी सेंट्रल वाला नहीं स्टेट वाला, जो भी जोसा प्रोसीजर में एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए, मुझे पता है कि सेंट्रल ईडब्ल्यूएस आपने निकाल के रखा होगा पर इस प्रोसीजर में वो यूजफुल नहीं होगा, यहाँ पे स्टेट लेवल का ईडब्ल्यूएस ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर डिफेंस D1, D2, D3 इस कैटेगरी में कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो भी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट रहेगा, वो भी स्टूडेंट को डिफेंस का सर्टिफिकेट निकालना इंपॉर्टेंट रहेगा, और अगर किसी को फिजिकली चैलेंज वगैरह ऐसा इशू है तो वो भी हैंडीकैप वाला सर्टिफिकेट ब्रोशर में वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आ चुका है वो आपको बनवाना पड़ेगा। अगर किसी को मुस्लिम जैन क्रिश्चियन ऐसा कुछ माइनॉरिटी का बेनिफिट लेना है तो उसको 100 रुपीज के स्टैम्प पे एफिडेविट करना ये भी इंपॉर्टेंट है, सो 100 रुपीज के स्टैम्प पे एफिडेविट या फिर नोटरी ये जो भी आप करोगे, तो उसके साथ किसी को ऐसा भी लगता है कि सर वी आर नॉट गोइंग टू टेक बेनिफिट एज अ माइनॉरिटी ऑफ जैन माइनॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स, फिर भी आपको, आप अगर अपना अपना रिलीजन मुस्लिम क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली वो अपलोड करने के लिए वहां पे बोलता है, तो बेटर वे आप ये आपका एफिडेविट रेडी रखोगे तो आपको ही थोड़ा सा ईजी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के वक्त। सो हार्डली अगर ये सारे डिटेल्स भरने के बाद और ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए हाफ एन आवर काफी रहेगा, 45 मिनट्स मैक्सिमम लगेंगे अगर आपके सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। तो इतना ही है, बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि गैप सर्टिफिकेट कहाँ पे अपलोड करना रहता है, गैप सर्टिफिकेट कहाँ पे अपलोड नहीं करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ जब आपका अगर गैप है 1 साल 2 साल जितना भी हो, तो अगर वो गैप है तो उसका एफिडेविट बना के कॉलेज में जाके सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि आपका 12th हुआ है उससे लेके आपका इंजीनियरिंग का एडमिशन होने तक, फार्मेसी का एडमिशन होने तक आपको जो भी बीच वाला टाइम था उसमें आपने क्या किया, उसके अगर आपने दूसरा कोर्स किया होगा तो उस कॉलेज का ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए हमें TCLC, तो इसके लिए वो पूछा जाता है। सो इतना ही है रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट। अब आपको प्रेफरेंस फिलअप करने हैं, तो वो प्रेफरेंस कब निकलेंगे, 13, 14 और 15, इन 3 दिनों में हमें भरने हैं। उससे पहले हमें अपना खुद का होमवर्क करना है, कौन सा कॉलेज है, उसका क्या कट ऑफ है, कैटेगरी वाइज उसके हमें मिलने के लिए कितने चांसेस है, ये सब तो होमवर्क हो गया, पर एक हमें प्रेफरेंस फिलिंग के टाइम में ध्यान में रखना है, वो हमारे चॉइसेस हमारे हिसाब से है क्या, मतलब हमें जो लगता है कि ये मुझे चाहिए कॉलेज, मिलेगा नहीं मिलेगा ये सॉफ्टवेयर तय करेगा, मेरिट तय करेगा, पर आपको ये कॉलेज चाहिए क्या। बहुत बार ये लोग सोचते हैं सर ये तो वैसे भी नहीं मिलने वाला है, तो इन दैट केस हमें वो प्रेफरेंस देना कुछ लॉजिकली नहीं है, तो इसमें भी लॉस ये हो सकता है कि वो वैसे भी नहीं मिलने वाला है ये ठीक है, पर कुछ रीजन से कट ऑफ अगर नीचे आ गया तो आपने तो वो आपको तो कॉलेज चाहिए था पर आपने दिया नहीं, तो आपको मिल सकता था अच्छा वाला कॉलेज पर आपने मिस कर दिया। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग उल्टा कर देते हैं, मतलब फॉर्म भरते वक्त आपको पता है कि ये सारे ऑप्शन हमें चाहिए, पर इसमें से एक दो ऑप्शन ऐसे भी रहते हैं कि उतना लंबा हम जाने ही वाले नहीं है, पर उस केस में भी वो हम ऑप्शन दे के रखते हैं और हाँ वैसे भी मिलने भी नहीं, मिलने ही नहीं वाला है, उसका मेरिट ज्यादा है मैंने देखा है, पर वो भी अगर गलती से अलॉट हो गया तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो
प्रेफरेंस फिलअप करते वक्त हमें एक ही ध्यान में रखना है कि हमें फॉर्म भरते वक्त ऐसे ही ऑप्शन देने हैं जिसको हमें एडमिशन में इस प्रोसीजर में हमें इंटरेस्ट है, ऐसे कॉलेजेस देने हैं जिस कॉलेज में जाने के लिए हमें चल सकता है। तो इतना ही है, जस्ट एक मिनट, प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग के वक्त भी ये अगर आप जानकारी रखोगे तो आपके प्रेफरेंस एग्जैक्ट परफेक्ट ही फिलअप हो गए। बहुत बार ये क्वेश्चन रहता है कि प्रेफरेंस भरते वक्त सर ब्रांच को प्रायोरिटी दे या फिर कॉलेज को, ये तो हमेशा आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, आपको ब्रांच को प्रायोरिटी देना है या फिर आपको कॉलेज पे। बहुत बार ऐसा होता है कि स्कोर अच्छा है तो बहुत बार ये सुनते हैं लोग कि इस कॉलेज का पर्टिकुलरली प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है, तो अगर ऐसे कॉलेज में आपको जाना है तो आपको ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मैं तो ऐसा डायरेक्टली सलाह नहीं दूंगा कि आप ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करो या फिर कॉलेज कॉम्प्रोमाइज करो। ये इंडिविजुअल आपके ऊपर रहता है, आपके स्कोर के हिसाब से आपका जो भी नेक्स्ट वाला प्लान है, आपका इंजीनियरिंग होने के बाद वाला जो प्लान है उस पे ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को एमटेक ही करना है तो उनके लिए ब्रांच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ब्रांच ही अगर आपने स्किप कर दी तो आप एमटेक कैसे कर पाओगे। अगर किसी को एमबीए ही करना है तो वैसे भी आप कौन से भी ब्रांच से करो, आप एमबीए करने के बाद आपका मैनेजमेंट का ही रोल बनने वाला है, तो उस केस में आप डेफिनेटली ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो अच्छे कॉलेज के लिए। अगर किसी को यूपीएससी एमपीएससी इसमें ही जाना है तो इन दैट केस आपको ब्रांच इंपॉर्टेंट है क्या, वो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ऐसे कोर्सेस लिए हैं और उसके साथ आपको आरटीओ ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डेफिनेटली वो ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है, आपको वो ब्रांच भी देखने पड़ेंगे। सिविल लेके आपको अगर ऐसा ही कुछ पीडब्ल्यूडी या फिर ऐसे डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग का कुछ काम करना है तो इन दैट केस आपको वो ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। तो आपके प्लान के हिसाब से, आपको अगर प्लेसमेंट चाहिए तो प्लेसमेंट के हिसाब से देखिए, अदरवाइज आप जो भी सोचोगे वो आपको फ्यूचर आपका जो भी है, आपको एमएस करना है मतलब आउट ऑफ इंडिया जाना है, आपको यहाँ पे ही रहना है, वो जो भी रहेगा आपका प्लानिंग वो आपको कंसिडर करके ये सब बताना, उसमें फॉर्म भरने रहते हैं। हम कितने आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, अनलिमिटेड तो नहीं है पर ऑलमोस्ट इज इक्वल टू अनलिमिटेड है। जितने भी कॉलेजेस है वो ऑटोमेटिकली आपके, बहुत बार ये भी लगता है सीओईपी ये एक प्रेफरेंस हो गया, नहीं सीओईपी ये हमारा प्रेफरेंस नहीं हो सकता, सीओईपी का पर्टिकुलर एक कॉलेज ये एक ब्रांच ये हमारा प्रेफरेंस हो सकता है। जैसे कि सीओईपी इलेक्ट्रिकल ये हमारा प्रेफरेंस बन गया पर सीओईपी ये प्रेफरेंस नहीं है। प्रेफरेंस कैसे बनेगा, एक सीओईपी कंप्यूटर, दूसरा बनेगा पीआईसीटी कंप्यूटर, तीसरा बनेगा डीजे संघवी कंप्यूटर। सो ये आपके प्रेफरेंस है, कॉलेज का नाम उसके साथ ब्रांच ये एक प्रेफरेंस बनता है। जो मैंने बोला टीएफडब्ल्यूएस वाला स्कीम, अगर आपको उसके साथ अप्लाई करना है तो आपको भरते वक्त दो दो ऑप्शन भरने पड़ते हैं, मतलब एक टीएफडब्ल्यूएस का अलग से भरना पड़ता है और एक रेगुलर कोटा का अलग से भरना पड़ता है। मतलब आपका ऐसा आएगा सीओईपी कंप्यूटर टीएफडब्ल्यूएस सीओईपी कंप्यूटर, उसके बाद आएगा पीआईसीटी कंप्यूटर टीएफडब्ल्यूएस, उसके बाद आएगा पीआईसीटी कंप्यूटर। आपको अगर कंटिन्यूअसली टीएफडब्ल्यूएस देने हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन रहता है, आपको अगर ऐसा ही शफल करते रहना है तो वो भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर रहेगा वो कैसे देना है। इस क्वेश्चन को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को ये लगता है सर वी बिलोंग टू एनटी कैटेगरी तो हमें ऐसा करना पड़ेगा क्या, सीओईपी एनटी सीओईपी जनरल कंप्यूटर सीओईपी कंप्यूटर एनटी कैटेगरी, ऐसा कुछ करने की जरूरत है क्या? तो नहीं, एससी एसटी ओबीसी आप कौन सा भी रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस में करो तो उसके लिए ये ऑप्शन नहीं है, पर टीएफडब्ल्यूएस के लिए डेफिनेटली पूछा जाता है। तो आपके टीएफडब्ल्यूएस के डबल ऑप्शन हो सकते हैं अगर आपने टीएफडब्ल्यूएस सिलेक्ट किया है तो। और टीएफडब्ल्यूएस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इनकम सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा जिसपे 8 लाख बिलो इनकम आपको दिखाई देगा, मतलब वो प्रूफ एज आपको चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न बैंक स्टेटमेंट सैलरी स्लिप ऐसा कुछ चलेगा क्या, नहीं, तहसीलदार कार्यालय से हमें वो प्रूफ चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। तो अगर वो है आपको बेनिफिट हो सकता है। ईबीसी और ईडब्ल्यूएस इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंसिएशन क्या है ये भी समझा देता हूँ। अगर किसी का इनकम 8 लाख बिलो है और ये आप थोड़ा ईडब्ल्यूएस डाइसी है, ईडब्ल्यूएस रहेगा इस साल या नहीं रहेगा, पर फिर भी ईडब्ल्यूएस नहीं भी रहेगा तो भी आपको ओपन मेरिट से सीट लेने के बाद 50% फीस में बेनिफिट मिल सकता है, उसको बोलते हैं हम ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसका इनकम 8 लाख बिलो है और वो टीएफडब्ल्यू से नहीं पर रेगुलर कोटा से जनरल मेरिट से सीट लेना चाहता है पर उसको 50% फीस में कंसेशन चाहिए तो उसको भरते वक्त ही हाफ फीस भरना रहेगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं रहती,
वो भरते वक्त ही हाफ फीस भरेगा तो भी काम हो जाएगा हमारा, उसके लिए सेपरेट हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ आपको आपका 8 लाख का इनकम सर्टिफिकेट उनको दिखाना पड़ेगा, दैट्स इट। तो ये प्रेफरेंस का नहीं पर एक जनरल अभी दिमाग में आया तो मैंने ये जस्ट क्वेश्चन क्लियर करने के लिए, अब फीस का जो इशू रहता है वो क्लियर करने के लिए बोल दिया। प्रेफरेंस फिलिंग के वक्त कैसे प्रोसीजर रहेगी? अभी तो रजिस्ट्रेशन है 13, 14, 15 को, आपने आपने पहले पेपर पे आपके सारे जो प्रेफरेंस है वो रेडी कर दिए और वो सारे प्रेफरेंस आपको डायरेक्टली आप भरने हैं। तो डायरेक्टली भरने वक्त आपको फिल्टर्स दिए जाते हैं, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, सिलेक्ट ब्रांच, सिलेक्ट ऑटोनोमस स्टेटस, नॉन ऑटोनोमस स्टेटस, यूनिवर्सिटी स्टेटस, वो सब सिलेक्ट करने के लिए चांस दिया जाता है। और वो अगर आप एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं, हमने सिलेक्ट की यूनिवर्सिटी पुणे और उसमें हमने सिलेक्ट किया ब्रांच कंप्यूटर, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ब्रांच कहाँ कहाँ पे है वो सारे कॉलेज की लिस्ट नीचे आ जाएगी। वो लिस्ट आने के बाद हमें यही करना है सिर्फ उसमें से कौन सा कॉलेज चाहिए, राइट साइड पे एडिशनल क्लिक ऑप्शन रहेगा, वो ऐड करने हैं उतने सारे ऑप्शंस और वो सॉर्ट करके रखने हैं, सेव करके रखने हैं, बाकी के सारे ऑप्शंस हमें जरूरत नहीं है। तो हम फिल्टर फिर से चेंज कर सकते हैं, दूसरी ब्रांच ले सकते हैं। हम जब बहुत बार ऐसा भी होता है कि सर हमने तो सीट मैट्रिक्स में देखा था कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में कंप्यूटर है, पर अब मैं जब चेक कर रहा हूँ तो उसमें मुझे ये कहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो बहुत बार हम जब चेक करते हैं तो हम कंप्यूटर साइंस ऐसा चेक करते हैं, कंप्यूटर साइंस में नहीं है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर साइंस में नहीं है पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऐसा नाम वहां पे रहता है, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऐसा नाम रहता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ऐसा नाम रहता है। तो आपको चेक करते वक्त सारे कोर्सेस में चेक करना रहेगा, शायद से कुछ नाम बदलने के बाद आपको आपका जो कॉलेज चाहिए वो मिल सकता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कंप्यूटर साइंस विद AI ऐसा एडिशनल रहता है, कंप्यूटर साइंस विद BS ऐसा कुछ एडिशनल रहता है, कंप्यूटर साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी है वो आपको सिलेक्ट करते वक्त बहुत सारे प्रेफरेंसेस में बहुत बार ये ऐसा होता है कि आपको प्रॉपर जो ब्रांच चाहिए वो मिलती नहीं है, फिल्टर चेंज करो। मल्टीपल ब्रांच तो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, एक एक ब्रांच ही आपको सिलेक्ट करनी रहती है, शॉर्ट कर लो प्रेफरेंस, बाद में आपको कंट्रोल एफ मतलब फाइंड वो सिलेक्ट करना है, आपको टाइप करना है कॉलेज का नाम, ऑटोमेटिकली वो आपको कॉलेज येलो हो जाएगा और वो आपको क्लिक करके उसका रैंकिंग देना है, तो वो ऑटोमेटिकली प्रेफरेंस सेट हो जाएगा। वो अगर आप सेव एंड नेक्स्ट करते हो, ये उसके लिए पर्टिकुलर टाइम रहता है, या फिर आप अगर एक एक घंटा वही आप 1, 2, 3 करते रहे तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके सिक्योरिटी के लिए ऑफ हो जाता है, तो आप प्रेफरेंस सेट नहीं कर पाओगे। तो वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले पेपर पे ही अपना सारा प्रेफरेंस रेडी रखो, 10 मिनट में आपको वो सारे प्रेफरेंसेस लगाने रहते हैं और आपको प्रोसीड करना रहता है, वो अलाइन हो जाएंगे प्रेफरेंस अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमने पहले वक्त प्रेफरेंस लेते वक्त तो रैंडमली लिए थे, उसके बाद हमने 1, 2, 3, 4 उसको रैंकिंग दिया, तो अकॉर्डिंगली हमने जैसे रैंकिंग दिया वो प्रेफरेंस अलाइड हो जाते हैं। हमें वहां पे दिखता है कॉलेज का नाम, वहां पे कॉलेज का कोड, कॉलेज के कोड के सामने आगे ही कॉलेज का ब्रांच का कोड, अगर उसकी शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट है तो 010 दिखता है, सेकंड शिफ्ट है तो 20 दिखता है, अगर आपकी TFWS की सीट है तो वहां पे T दिखता है, तो वो आपको कोड भी क्लियर हो जाता है। कॉलेज का नाम प्रॉपरली देखिए, क्योंकि COEP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है या फिर COEP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पंढरपुर, ये आपको क्लियरिटी करनी पड़ेगी। आप वहां पे कोड में भी थोड़ा बहुत ही डिफरेंसिएशन है, तो आपको ये प्रॉपरली देखना है कि आपने कॉलेज जो सिलेक्ट किया है वो प्रॉपर है या नहीं, उसके बाद आपको प्रायोरिटी के हिसाब से परफेक्टली अलाइन है क्या देखना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ कोड वाले बॉक्सेस दिखाई देंगे, वहां पे आपको फिर से वो क्रिएट किया हुआ पासवर्ड पूछेंगे, वो आपको डालना है, लॉक करने हैं क्या ये पूछेंगे, लॉक कर देना है विंडो, इतना ही काम हमारे पास रहेगा और वो प्रेफरेंस फॉर्म सबमिट हो जाएगा। प्रेफरेंस फॉर्म ये अगर सबमिट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सेव किया, तो जोसा जैसे ऑटो लॉक नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये फॉर्म हमें कंपलसरी मैन्युअली लॉक करना पड़ता है। अगर हमें यहाँ पे मिस कर देते हैं ये चांस, तो आपका फर्स्ट राउंड तो चला गया, आपको सेकेंड राउंड में डायरेक्टली आना पड़ेगा। तो लॉक करने के बाद आपको एक प्रिंटआउट निकाल के रखना है, फिर से वो आएगा रिजल्ट, तो रिजल्ट तो कब आएगा, कैसे रिपोर्टिंग करना है, इसका तो टाइम टेबल अभी तक आया नहीं है, पर एग्जाम्पल देता हूँ कि 15 तक 16 तक अगर ये रिजल्ट आएगा तो 16 के बाद एक 4-5 दिन के तक हमारे पास विंडो रहेगी, उसमें हमें डायरेक्टली सारे ऑप्शंस जो हमने अलॉट जो भी एक ऑप्शन अलॉट होगा उस कॉलेज को, आपको अगर लगता है फर्स्ट ही ऑप्शन अलॉट हो गया और हमें यहाँ पे हमारी प्रोसीजर एंड ही करनी है, तो इन दैट केस
आपको क्या प्रोसीजर करनी है, या फिर ऐसा किसी को अलॉट हो गया 10वां 11वां 12वां ऐसा कुछ आपका ऑप्शन अलॉट हो गया, और आपको वो जो कॉलेज मिला उसको तो सिक्योर करना है, पर आपको सेकेंड राउंड में भी ट्राई करना है, तो उसके लिए क्या करना है। और थर्ड केस, किसी को अगर कॉलेज मिला ही नहीं तो उसको कैसे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट वो कर सकता है, ये थोड़ा मैं आगे एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो उसके लिए ARC FC ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ARC मतलब क्या, एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर, FC मतलब क्या, फैसिलिटेशन सेंटर। सो ये फैसिलिटेशन सेंटर और ARC का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहता है। सो FC की लिस्ट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है वेबसाइट पे, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। जो भी आपका नियर बाय फैसिलिटेशन सेंटर रहेगा वो आपको हेल्प करेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए, वहां पे आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो सकता है। सारे फैसिलिटेशन सेंटर के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के राइट है, डेफिनेटली उनका दो काउंटर अलग रहेंगे, एक आपको हेल्प करने वाला हेल्प डेस्क और दूसरा एक्चुअल वेरीफाई करने वाला। सो आपको एक जगह पे जाके आपका फॉर्म भरवा के लेना है और दूसरी जगह पे वो वेरीफाई करना है। अगर आप खुद से भरना चाहते हो तो वो खुद से भी भर सकते हो, अगर आपको किसी बाहर के साइबर कैफे या फिर काउंसिलर से भी फिलअप करवाना है तो वो भी आप कर सकते हो, पर आपको वेरिफिकेशन करना इम्पोर्टेंट ही है। तो वो कैसे करना है वेरिफिकेशन, सब आपका फॉर्म आपने फॉर्म भर दिया, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, आपको प्रेफरेंस भी दे दिए, प्रेफरेंस देने के बाद आपका एक अलॉटमेंट आ गया। अलॉटमेंट आने के बाद आपको क्या करना रहता है, अलॉटमेंट आने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस बनते हैं, एक ऑप्शन फ्रीज और दूसरा ऑप्शन नॉट फ्रीज। सपोज जैसे को अलॉटमेंट ही नहीं आया तो उसके लिए क्या, पहले मैं बता देता हूँ। सो इजी काम है उसका, वेट एंड वॉच, नेक्स्ट राउंड जब स्टार्ट होगा उसको तभी अगर कुछ ऑप्शन ऐड करने हैं तो ऐड करने हैं, अदरवाइज जो भी ऑप्शन रहेगा लास्ट टाइम दिया हुआ वो कैरी ऑन वो कर सकता है और फिर से वही सबमिट कर भी सकता है। जिसको एक बार कुछ ना कुछ ऑप्शन अलॉट हो चुका है, सपोज फर्स्ट ऑप्शन ही अलॉट होगा उसके लिए तो सिस्टम फ्रीज ही, वो उसको क्या करना है, फ्रीज पे क्लिक करना है और वो ऑप्शन सबमिट कर देना है और वो डायरेक्टली कॉलेज को रिपोर्ट करेगा जो कॉलेज उसको मिला है, और वो फीस वगैरह पेमेंट करेगा और वहां पे उसका एडमिशन खत्म। उसके बाद अगर किसी को फर्स्ट छोड़ के बाकी कौन से भी ऑप्शन मिले हैं तो उसको दो ऑप्शन रहेंगे, फ्रीज भी कर सकता है नॉट फ्रीज भी कर सकता है। फ्रीज अगर उसने किया तो वो आपको फिर से जैसे जिसका एक नंबर का प्रेफरेंस था वैसे ही वो भी फॉलो करेगा, ऑटोमेटिकली उसका भी यहाँ पे प्रोसीजर एंड हो जाएगा क्योंकि उसने फ्रीज सिलेक्ट किया, और उसको भी जो कॉलेज मिला है वहां पे जाके रिपोर्टिंग करना है, पैसा भरना है, डॉक्यूमेंट सारे जो मैंने अभी पहले मेंशन किए थे वो सबमिट करना है और एडमिशन उसका खत्म। पर जिसको ये लगता है कि जो कॉलेज मिला है वो तो अच्छा है, वो तो मैं लूंगा ही लूंगा, पर उससे भी अगर अच्छा कोई मिलता है राउंड सेकेंड में तो मुझे वो ट्राई करना है, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा। सो इस केस में हमें इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि हमें नॉट फ्रीज पे क्लिक करना है। नॉट फ्रीज पे क्लिक करने का 1000 रुपीज का पेमेंट करना है, और आपका मतलब उसके बाद भी वेरिफिकेशन का स्टेप है, वो फैसिलिटेशन सेंटर पे आपको वेरिफिकेशन करने के लिए जाना, ARC पे आपको वेरिफिकेशन करने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये पूरी प्रॉपर आपका सीट कंफर्मेशन की प्रोसीजर रहेगी। ये सब होने के बाद आपका मतलब इसमें जो भी डिटेल्स और आएंगे मैं डेफिनेटली छोटे छोटे वीडियोस बना के यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा, पर कैसे आपको आपकी सीट कंफर्म करनी है ये आपको आपको टेंटेटिव आइडिया तो आ चुकी होगी, और 13 के बाद 16-17 के बाद जब भी ये प्रोसीजर कंप्लीट होगी उस पर आपको शॉर्ट वीडियो डेफिनेटली मिल जाएगा। 1000 का पेमेंट करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज इसमें है, और रिपोर्टिंग करना ये भी दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेज है। सिर्फ 1000 का पेमेंट किया और रिपोर्टिंग नहीं किया तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। वो जो भी रूल्स है वो आपको सीट कंफर्मेशन के लिए वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट ही पॉइंट है। अगर दूसरा पॉइंट हम कंसिडर करते हैं कि हमने हमें जो सीट अलॉट हुई थी हमारे पास वो सीट दिख भी रहा था पर हमें वो चाहिए नहीं, तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, कुछ मत करो, ड्रॉप कर दो वो 2-3 दिन में, आप कुछ भी मत करो, रिजेक्ट ऐसा कुछ कहाँ पे ऑप्शन नहीं रहता, आप कुछ भी ऑपरेट नहीं करते हो इसका मतलब ये है कि आपको वो सीट नहीं चाहिए, पर आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड में इलिजिबल हो। तो इसमें कुछ ऐसा नुकसान नहीं है कि आप सेकेंड राउंड से भी बाहर हो जाते हो क्या, तो आप फर्स्ट राउंड में भी जैसा थे वैसा ही आपको सेकेंड राउंड में भी चांस मिलेगा फिर से ऑप्शन एंट्री का। तो इतनी ही प्रोसीजर रहती है ऑप्शन एंट्री की, उसके बाद आपको सेकेंड राउंड का चांस मिलेगा, उसमें भी आप फिर से लॉग इन करोगे, जो ऑप्शन पहले दिए थे वही कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर कुछ एडिट कर सकते हो, कुछ डिलीट कर सकते हो, या फिर पूरा नया भरना है तो वो भी कर सकते हो। ये सब करने के बाद आपको फिर से लॉक करने ऑप्शंस, उसके बाद फिर से अलॉटमेंट आएगी, वो अलॉटमेंट आने के बाद ये फाइनल राउंड रहेगा, शायद अभी वो क्लियर नहीं हुआ कि कितने राउंड होंगे, पर वो अगर सेकेंड राउंड फाइनल है
तो आपको जो भी कॉलेज मिला है वहां पे जाके फिर से नॉट फ्रीज ही स्टेटस रखना, क्योंकि थर्ड राउंड ऑफलाइन होता है। सो नॉट फ्रीज स्टेटस रखोगे और वो आप डायरेक्टली कॉलेज 1000 का, अगर किसी को पहले बार राउंड में कुछ मिला ही नहीं था, सेकेंड राउंड में फर्स्ट टाइम मिला है, तो वो उस पर 1000 रुपए का पेमेंट करेगा और जो भी कॉलेज उसको मिला है वहां पे डायरेक्टली चला जाएगा। अगर आपको ये सेकेंड टाइम कॉलेज मिला है, अगर वही रहता है तो भी चलेगा, या फिर कुछ नया मिलता है जो पहले मिला था उससे कुछ अपग्रेडेड या फिर चेंज्ड ऑप्शन मिलता है, तो फिर से उसको 1000 रुपए का पेमेंट करने की जरूरत नहीं रहती, या फिर ARC का रिपोर्टिंग करने की कुछ जरूरत नहीं रहती। वो डायरेक्टली रिपोर्ट डायरेक्टली जो कॉलेज उसको मिला है वहां पे जाके रिपोर्ट कर सकता है। सो ये रिपोर्टिंग के बारे में, प्रेफरेंसेस के बारे में और रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरा डिटेल्स मुझे जितना बताना इंपॉर्टेंट लगा वो तो मैंने बता दिया। थर्ड राउंड क्या रहता है ये भी इन शॉर्ट बताता हूँ। थर्ड राउंड में मतलब ये स्पॉट राउंड जिसको हम बोलते हैं, या फिर इंस्टीट्यूट लेवल राउंड जिसको हम बोलते हैं, जो बचे हुए सीट्स है इन कॉलेज के पास जिसके लिए स्टूडेंट इन बिट जो स्टिपुलेटेड टाइम दिया था वहां पे रिपोर्टिंग के लिए नहीं आए, तो उनके लिए ये राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो सीट जो वैकेंट रहती है वो सीट फिलअप करने के लिए ये राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, और उसमें बहुत सारे ज्यादा चांसेस रहते हैं। सो अगर ऐसे कुछ चांसेस मिले तो आपको उस केस में उस कॉलेज के वेबसाइट में सारे नोटिफिकेशन चेक करने हैं। अलग अलग वेबसाइट का अलग अलग नोटिफिकेशन उस टाइम रहेगा, वो सारे नोटिफिकेशन आपको सीईटी सेल के वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे, तो आपको ही ये सारा नोटिफिकेशन पर्टिकुलर जो आपको कॉलेज चाहिए उनके वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा। ऐसा कुछ आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो ऐसे नोटिफिकेशन के साथ आप वहाँ का फॉर्म ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो वो भर सकते हो। उनकी अलग सी मेरिट लिस्ट लगेगी और उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम बैठता है तो आपको फिर से वो सीट दी जाएंगी। इतना सिंपल है। थर्ड राउंड में, थर्ड राउंड भी थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 7-8 स्टेप जो रहेंगे वो यहाँ पे फिलअप करने हैं। आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का पार्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको ई वेरीफाई ऐसा ऑप्शन मिलेगा, आपको ई वेरीफाई के लिए वो ऑप्शन सबमिट करना है। जो अपने स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो डायरेक्टली फैसिलिटेशन सेंटर को अलॉट हो जाएंगे। अगर आपने फैसिलिटेशन सेंटर में ही आप फॉर्म भर रहे हो तो आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी हो सकता है। वहां पे आप अपने खुद के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पे दिखा तो वो भी वेरिफिकेशन आपका डायरेक्टली हो जाएगा। तो ये सारा वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, हम ये बोल सकते हैं। इसमें पेमेंट की कुछ जरूरत नहीं रहती, वो ऑटोमेटिकली फॉर्म कंप्लीट हो सकता है क्योंकि आपने उसके रिगार्डिंग पेमेंट सीईटी का फॉर्म भरते वक्त ही दिया था। जो स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटा से आ रहे हैं जिन्होंने सीईटी नहीं दी थी उनके लिए फर्स्ट टाइम पेमेंट करना मैंडेटरी रहता है, वो ऑटोमेटिकली वहां पे दिख जाता है। बाकी लोगों के लिए जेई प्लस सीईटी भी किया तो भी 800 रुपीज 600 रुपीज का पेमेंट देने की जरूरत नहीं लगेगी। रजिस्ट्रेशन जब हम फॉर्म खुद से भरेंगे या फिर कहाँ से भी भरेंगे, आपको जो स्टेप्स है उसमें से एक स्टेप डॉक्यूमेंट अपलोड तक आप कंप्लीट कर सकते हो, और उसका लास्ट वाला जो स्टेप है वो फैसिलिटेशन सेंटर से ही वेरीफाई होगा। सो फैसिलिटेशन सेंटर ऑनलाइन आपको अलॉट हो जाएगा तो आप वो ऑप्शन सिलेक्ट करो। आपको अगर ऑफलाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हो, पर वो करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसीजर से। वो वेरीफाई करते वक्त आपको अगर ऑनलाइन करना है तो आपको कुछ कहाँ पे जाना नहीं पड़ता, भीड़ में खड़ा नहीं रहना पड़ता, ऑटोमेटिकली ऑफलाइन ऑनलाइन वेरीफाई हो जाता है। तो ये मेरे हिसाब से ऑनलाइन वेरिफिकेशन ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। वो वेरिफिकेशन हो गया, वेरिफिकेशन के बाद अपने SML आ गया, स्टेट मेरिट रैंक आपने चेक किया, लेडीज में कितना है, जेंट्स में कितना है, यूनिवर्सिटी में कितना है, आपकी कैटेगरी में कितना है, TFWs में कितना है, उसके हिसाब से आपने प्रेफरेंस फॉर्म भी बनाया प्रॉपर, और वो प्रेफरेंस फॉर्म आपने प्रॉपर फिलअप भी कर दिया वो फिल्टर्स प्रॉपर लगा के, और वो प्रेफरेंस फॉर्म लॉक करने के बाद रिजल्ट मिल गया। रिजल्ट मिलने के बाद आपने नॉट फ्रीज फ्री जो भी था वो स्टेटस सिलेक्ट कर दिया, और वो स्टेटस सिलेक्ट करने के बाद आपका लास्ट काम था कि रिपोर्टिंग प्रॉपरली करना विथ 1000 रुपीज पेमेंट। ये जो भी डिटेल्स रहेंगे जैसे मैंने बोला कि नेक्स्ट वीडियोस में जब ये 13 के बाद वाली प्रोसीजर, 13 के 15 के बाद वाली प्रोसीजर जो भी आएगी नोटिफिकेशन में वो डेफिनेटली मैं आपके सामने रखूंगा। तो ये है महाराष्ट्र की एडमिशन प्रोसीजर। अब किसी को भी कुछ भी डाउट्स है तो हमारे पास थोड़ा टाइम है, 10 मिनट का, 10-15 मिनट का, आप चैट बॉक्स यूज करो और उसमें मुझे ये बताओ कि आपको कौन सा क्वेश्चन है, तो मैं ट्राई करूंगा कि मेरे एंड से इसका आंसर देने के लिए।
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एआरसी एंड एफसी? एआरसी एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर, इसकी भी लिस्ट अलग से अनाउंस हो जाएगी, वहां पे आपको रिपोर्टिंग करना है। फैसिलिटेशन सेंटर, ये हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जो आपको हेल्प करेगा फॉर्म फिलिंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और सेकेंड थिंग वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो सकता है। इफ वी चूज TFWS देन वी कैन स्विच टू नॉर्मल इफ वी डोंट गेट एडमिशन। हाँ डेफिनेटली, मैंने जैसे बोला कि एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपको अगर TFWS में आपने सेलेक्ट किया है और आपको ओपन मेरिट से भी अप्लाई करना है तो आप ऐसे कर सकते हो क्या? दोनों ऑप्शंस आप दे सकते हो, मतलब TFWS में चेक करो, वो मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप रेगुलर मेरिट से अप्लाई करो, वो भी आपका हो सकता है। विल यू हेल्प अस इन सिलेक्टिंग प्रेफरेंसेस? सिलेक्टिंग प्रेफरेंसेस वो कैटेगरी के हिसाब से आपको कहाँ पे, आप कहाँ पे रहते हो उसके हिसाब से, या फिर अगर हम वो भी नहीं कंसिडर करते हैं, एक जनरल प्रेफरेंस, स्टैंडर्ड प्रेफरेंस रहता है ब्रांच के हिसाब से, ये सारे क्राइटेरियाज देख के आपको आगे जाके क्या करना है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ये पर्सनलाइज काउंसलिंग में आएगा, और पर्सनलाइज काउंसलिंग हम ट्राई करेंगे कर सकते हैं क्या, पर वो पॉसिबल तो नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। मेरा नंबर मैं लास्ट में शेयर करने वाला हूँ, हेल्पलाइन नंबर, तो उस पर आप व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रह सकते हो जो भी आपके डाउट्स हैं, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं सारे कट ऑफ या फिर जो स्टैंडर्ड प्रेफरेंसेस, कहाँ पे कौन सी ब्रांच है, और अगर कुछ वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन लगती है तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। योर यूट्यूब चैनल नेम, नेम हमारे यूट्यूब चैनल का है अस्मी करियर, ASMI, अस्मी करियर, CARER। सर इफ यू फील माइनॉरिटी कॉलेज कैन आई ऑल्सो फील कॉलेज फॉर ओपन कैटेगरी? यस, अगर एक का क्वेश्चन है कि हमें माइनॉरिटी में अगर एंट्री की है तो ओपन के अदर के भी हम कॉलेजेस फिलअप कर सकते हैं क्या? यस, आप गुजराती बिलोंग करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ गुजराती भरना, ऐसा कुछ नहीं है। गुजराती कोटा में आपके पास 51% सीट रिजर्व है। ये एक अच्छा क्वेश्चन के वो मैं भूल गया था सीट मैट्रिक्स बताना, तो गुजराती माइनॉरिटी या फिर कौन सी भी माइनॉरिटी हो तो ऐसे कॉलेज में 51% सीट उसी कास्ट को, उसी रिलीजियस को या फिर उसी लैंग्वेज वाले, मदर टंग वाले स्टूडेंट्स को लिए रिजर्व रहता है। बाकी अगर हर एक प्राइवेट कॉलेज का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें 20% मैनेजमेंट कोटा रहता है, और अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो 51% तो यहाँ पे ही खत्म हो गया, 15% यहाँ पे खत्म हो गया, तो जो बचा हुआ कोटा रहता है वो कैसे फिलअप होता है? तो 4% जेई मेंस के मार्क पे ऊपर इसमें भी सीट्स बचते हैं, तो टोटल बन गए 55 प्लस 20%, तो वो हो गए 75%, और बचे हुए 25% ओपन टू ऑल रहता है जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है सीईटी के मार्क्स के ऊपर। सो चांसेस नहीं रहता ऐसा नहीं है, पर वो जो चांसेस है वो माइनॉरिटी कॉलेज में जनरल मेरिट के स्टूडेंट के लिए कम रहता है। इनकम सर्टिफिकेट 2021-2022 का लगेगा क्या? यस, 2021-2022 का ही लगेगा, क्योंकि हमारे पास 2022-2023 का बन ही नहीं सकता है। ओके, लास्ट ईयर का जो बेस्ड रहता है उसके ऊपर ही आपका एडमिशन होता है। सर इफ आई डोंट हैव डोमेसाइल सर्टिफिकेट कैन आई यूज बर्थ सर्टिफिकेट? अगर आपके पास डोमेसाइल नहीं है तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो क्या, ऐसा क्वेश्चन है? तो यस, आप यूज कर सकते हो, पर बेटर मैं आपको बोलूंगा कि आपको बेटर आपको आपका डोमेसाइल अप्लाई करके रखना चाहिए, डोमेसाइल नेशनलिटी, पर बर्थ सर्टिफिकेट से काम हो जाएगा क्या? तो यस, हो जाएगा। सर डोमेसाइल सर्टिफिकेट एंड नेशनलिटी सर्टिफिकेट एक ही है क्या? हाँ, महाराष्ट्र में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में डोमेसाइल और नेशनलिटी और एज प्रूफ ये एक ही पेपर दिया जाता है, अगर आपके पास वो है तो आपका काम हो गया, उतना ही हमारे लिए काफी है। सर अगर पीडीएफ के जगह इमेजेस अपलोड किया तो चलेगा क्या? जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो वहां पे दोनों ऑप्शन है कि आप जेपीजी भी अपलोड कर सकते हो या फिर पीडीएफ। बेटर है पीडीएफ, उनके लिए रीडेबल हो सकता है, पर अगर आपने जेपीजी किया है तो भी चलेगा क्या? तो इसका आंसर है यस, चलेगा, पर ट्राई बेटर वे पीडीएफ। एवरी राउंड के बाद हम लिस्ट चेंज कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है यस, हम चेंज कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन की पीडीएफ, एक प्रॉपर आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो प्रोसीजर फॉलो करनी है ना, उसका एक पीडीएफ ऑलरेडी मराठी और इंग्लिश में सीटी सेल के वेबसाइट पे है। सो वो अगर आप पीडीएफ थोड़ा सा देख लोगे तो आपको स्टेप्स ही सारे पता चल जाएंगे। लीविंग सर्टिफिकेट नीडेड, LC इज इम्पोर्टेंट, लीविंग सर्टिफिकेट कॉलेज का लीविंग का जो है वो कंपल्सरी है, वो अगर नहीं है तो आपका एडमिशन कौन से दूसरे कॉलेज में ये कंसिडर होता है। ग्रीवियंस पीरियड मतलब क्या?
ग्रीवेंस पीरियड मतलब अगर किसी का कुछ लास्ट रजिस्ट्रेशन के वक्त कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो वो ओपन मेरिट पे कंसिडर हो रहा था या फिर इलिजिबल ही नहीं हो रहा था, तो ऐसे केस में उसको एक दिन दिया जाता है इलिजिबिलिटी उसकी बढ़ाने के लिए। अगर ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वो प्रोड्यूस प्रॉपर कर सकता है तो ऐसे केस में उसको उस पर्टिकुलर कैटेगरी से ही कंसिडर कर दिया जाता है और अकॉर्डिंगली सबका जो रैंक रहता है स्टेट मेरिट रैंक वो उस वजह से ऊपर नीचे हो सकता है। कैन यू प्रोवाइड पर्सनल काउंसलिंग? मैंने जैसे बोला कि पर्सनल काउंसलिंग सबको देना तो पॉसिबल नहीं होगा, पर आप हमारे आपका नाम, आप कहाँ से हो, आपका कोचिंग क्लास, ये अगर आप और आपके परसेंटाइल, ब्रांच रिक्वायर्ड, ये अगर आप मैसेज कर दोगे ना तो डेफिनेटली उसके हिसाब से जो स्टैंडर्ड प्रेफरेंस रहेगा ना वो हम आपको भेजने के लिए ट्राई करेंगे। आपको थोड़ा सा वेट करना है, हमें भी टाइम चाहिए। आपके सारे मतलब डेली 1000+ SMS आएंगे तो चेक करने वाले लोग तो इतने ज्यादा नहीं है और जो कॉल आ रहे हैं वो अलग से है। सो आपको भी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो ऐसा जब आप मैसेज भेजोगे तो जल्दी 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 नहीं होगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक आपको आपके मास के हिसाब से उतना प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ। PICT IT वर्सेस VIT CS विच इज बेटर? मेरे हिसाब से PICT IT इज बेटर। PICT अच्छा है, प्लेसमेंट तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, IT हो या फिर CS। अगर आपका PICT CS और VIT CS ऐसे दो ऑप्शन रहते हैं तो उसमें आप PICT सिलेक्ट करते हैं ना तो आपको IT लेने में कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता। सभी कंपनी जो आएंगी वो दोनों ब्रांचेस के लिए ही आएंगी। सर क्या हम TFWS एंड EWS दोनों ले सकते हैं क्या? EWS इस साल आएगा नहीं आएगा ये पता नहीं अभी के हिसाब से, तो अगर दोनों आएंगे तो आप दोनों का बेनिफिट डेफिनेटली ले सकते हो। प्रेफरेंसेस चूजिंग के लिए कोई PDF मिलेगा क्या? सीट मैट्रिक्स पब्लिश होता है ना तो सीट मैट्रिक्स में आपको पता चल जाता है कि कौन से कॉलेजेस में कौन सा एक्चुअली कोर्स इंक्लूड हुआ है और उसके लिए इनटेक भी कितना है, तो आप उसके साथ भी थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर सकते हो। एक ऐसा क्वेश्चन है कि फ्रीज कंसेप्ट थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करो। अगर हम फ्रीज करते हैं तो राउंड सेकंड में हम एलिजिबल है क्या? अगर आप फ्रीज करते हो तो कैसे एलिजिबल हो जाओगे? नॉट फ्रीज सेलेक्ट करोगे तो ही आप सेकेंड राउंड में चले सकते हो। अगर फ्रीज करते हो तो वहां पे ही आपका एडमिशन प्रोसीजर एंड। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको नॉट फ्रीज करके 1000 रुपीज पे करके आपको आपकी सीट सिक्योर करनी है और आप वो सिक्योर करने के बाद भी राउंड सेकेंड में जा सकते हो। मतलब मिला बेटरमेंट तो ठीक, नहीं बेटरमेंट मिला तो जो आपके पास पहले वाला कॉलेज था वो तो सेफ। हाउ टू अप्लाई फॉर कॉलेज फ्रॉम JEE मेन्स स्कोर? JEE मेन्स का स्कोर के लिए भी ऑल इंडिया कोटा रहता है। JEE मेन्स सिलेक्ट करो वहां पे और JEE मेन का वो स्कोर कार्ड अपलोड करने के लिए बोलेगा, वो अपलोड करना। वो ऑल इंडिया रैंक भी जनरेट करेगा और ऑल इंडिया के भी लास्ट ईयर के कट ऑफ अवेलेबल है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे आपको देखने हैं और सारे कट ऑफ आपको इजिली मिल जाएंगे। कट ऑफ TFWS का जनरल मेरिट से ज्यादा रहता है क्या? ये एक क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली कट ऑफ TFWS का जनरल मेरिट से ज्यादा ही रहेगा क्योंकि वो ही सारे बच्चे हैं पर उनका सिर्फ इनकम 8 लाख से कम है। अगर उनको पूरा ही फीस में बेनिफिट ले मिल रहा है तो वो डेफिनेटली उसमें अप्लाई कर रहा है। कैन बी अप्लाई फॉर बोथ TFWS एंड OBC? कर सकते हो डेफिनेटली। OBC में आपको 50% फीस का बेनिफिट मिल रहा है और यहाँ पे 100%, तो आप TFWS वाले कोटा से भी अप्लाई कर सकते हो। वो नहीं मिलता है तो OBC से, पर मुझे लगता है कि OBC का जो आपको बेनिफिट रहेगा एक दो कॉलेज ऊपर के मिल सकते हैं या फिर एक दो अच्छे ब्रांचेस सेम कॉलेज में मिल सकते हैं, तो इन दैट केस आपको TFWS यूज करना है नहीं करना है वो थोड़ा वाइजली सोच के यूज करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है आपको सिर्फ सिलेक्ट करते वक्त रजिस्ट्रेशन के वक्त आप TFWS सिलेक्ट करके रखो, प्रेफरेंसेस में देना है नहीं देना है ये आपके ऊपर चॉइस पे ऊपर रहेगा। सर CS वर्सेस CSE डिफरेंस कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, बहुत सारे ब्रांचेस ऐसे ही रहते हैं जिसके थोड़े बहुत से नाम चेंजेस रहते हैं। आप उसका सिलेबस देख लो, अगर सिलेबस सेम है तो ब्रांच सेम है, ब्रांच सेम है तो सीखना सेम है और प्लेसमेंट भी सेम ही मिलेगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड? नहीं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट महाराष्ट्र में तो एडमिशन के वक्त कुछ जरूरत नहीं लगती है। 99.8% है तो ICT केमिकल इंजीनियरिंग मिलने के चांसेस है क्या? ये JEE का स्कोर है या फिर CET का ये देखना पड़ेगा, पर चांसेस तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं।
ठीक है, बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने बोला कि 10 बज चुके हैं, मैं और एक 4-5 मिनट आपके क्वेश्चंस वो रीड कर रहा हूँ, जिसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे वो डेफिनेटली इसमें ऐड कर दूंगा। पर सबको यही रिक्वेस्ट है कि आप चैट बॉक्स का ही यूज करो, आप अनम्यूट खुद को मत करो, और जो भी क्वेश्चन जितने भी कवर हो सकते हैं मैं ट्राई कर रहा हूँ, और बाद में भी ये क्वेश्चन मैं नोट करके रखूंगा, और इसके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। नाउ सीओईपी इज गिविंग 20%, विल दैट अफेक्ट द कट ऑफ ऑफ अदर कॉलेजेस हु हैव जेई मार्किंग कोटा? डेफिनेटली पहले तो सीओईपी पे ही कट ऑफ पे डेफिनेटली असर होगा, क्योंकि सीओईपी के सीट सीईटी के थ्रू जो कट ऑफ लगते थे वो घट गए, तो सीईटी का ऊपर जो कट ऑफ था वो बढ़ सकता है। सेकेंड थिंग, जो जेई के ऊपर कट ऑफ था वो पीआईसीटी जैसे कॉलेज में जो बढ़ रहा था, अब वो शायद से स्टूडेंट सीओईपी में चले जाने के बाद वो पीआईसीटी का कट ऑफ थोड़ा बहुत कम हो सकता है। और डेफिनेटली एक एक ही कॉलेज 20% नहीं ले रहा, ऐसा आईसीटी भी कॉलेज है वो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जेई कोटा ले रहा है, तो हर एक कॉलेज के लिए वो असर तो करता ही है। और जेई का कोटा बहुत बार ऐसा होता है कि जो टॉपर्स है जेई के वो जोसा प्रोसीजर के थ्रू आईआईटी एनआईटी के लिए चले जाते हैं, तो ड्रॉप तो हो सकता है। इसीलिए तो मैंने पहले ही बोला कि आपको सीईटी और जेई कितने भी मार्क्स आपके कम हो पर अप्लाई करते वक्त वहां पे करके रखना चाहिए। सर आई डिडेंट फील मुंबई यूनिवर्सिटी वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म, विल दैट बी प्रॉब्लम फॉर मी? मुंबई रजिस्ट्रेशन, मुंबई यूनिवर्सिटी वाला फॉर्म अलग से कुछ भी नहीं रहता है, वो अभी आपको भरने की जरूरत ही नहीं है। आप ये पहला जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो आपको भरना पड़ेगा। लीविंग सर्टिफिकेट नीडेड इन हार्ड कॉपी वाइल रजिस्ट्रेशन? यस, आपको वो स्कैन करके अपलोड करना है। वैसे डायरेक्टली लीविंग सर्टिफिकेट आपको कहाँ पे दिखाना नहीं है, अगर आप ई वेरिफिकेशन करते हो तो, पर आपके पास अगर सॉफ्ट कॉपी है तो वो तो लगेगा, पर एक्चुअल रिपोर्टिंग कॉलेज जब आप जाओगे तब तो वहां पे लगेगा ही लगेगा, वो आपको ओरिजिनल और हार्ड कॉपी में चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट डॉक्टर से चल, मेडिकल फिटनेस की आपको जरूरत ही नहीं है, महाराष्ट्र प्रोसीजर में मेडिकल फिटनेस की जरूरत नहीं लगती, वो जोसा प्रोसीजर में जरूरत लगती है। ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा तो वो आप कभी भी सुन सकते हो फास्ट फॉरवर्ड करके। जेई सीटी के दोनों कोटा से अप्लाई करना चाहिए क्या? तो यस, अप्लाई करना चाहिए, कुछ लॉस नहीं है, होगा तो शायद बेनिफिट ही होगा। आफ्टर द डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट वी हैव टू प्रिपेयर द प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन 2022 कट ऑफ। 2022 के तो कट ऑफ कैसे मिलेंगे, आपका अलॉटमेंट यही तो 2022 के कट ऑफ रहते हैं, तो आपको दिमाग में यही रखना है कि मुझे कौन से कॉलेज चाहिए, मुझे कौन सी ब्रांच चाहिए, अकॉर्डिंगली आप प्रेफरेंस उसके हिसाब से कर दो। क्योंकि आपके आपने ऐसा नहीं रहता कि 10 आपने प्रेफरेंसेस दे दिए, 10 के 10 अलॉट हो जाएंगे, जो भी सभी मिल रहे थे सर मुझे, तो 10 के 10 नहीं अलॉट होंगे, वो प्रेफरेंस के हिसाब से अलॉट होते हैं। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो अगर मिल रहा है तो वो अलॉट हो जाता है, अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो वो सेकेंड वाला चेक करता है, वो भी नहीं मिल रहा है तो थर्ड वाला। ऐसा नहीं कि सर फोर्थ वाला मुझे डायरेक्टली मिलेगा क्या, और फोर्थ मिला है तो फोर्थ के नीचे सारे मिलेंगे क्या, ऐसा कहाँ पे भी नहीं रहता है। सो आपको 2022 के कट ऑफ मिलेंगे ही नहीं, आपका जो भी प्रेफरेंस रहेगा वो अभी से आप बनाना स्टार्ट कर दो। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, ये सारे प्रेफरेंसेस आपको कहाँ पे मिलेंगे ये थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये तो नोटिस था, ये हमारा एक्चुअल पोर्टल है, जैसे मैंने बोला था कहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। ये नोटिस यहाँ पे आप बी बी टेक पे न्यू आना स्टार्ट हो चुका है, एग्रीकल्चर को भी स्टार्ट हुआ था, आप आज मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन का भी नोटिफिकेशन आया, यहाँ पे भी न्यू न्यू ऐसा ब्लिंक हो रहा है, जिसको भी फार्मेसी में जाना है अब ये बी फार्मा का जब न्यू ब्लिंक करेगा तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो काम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो मैंने जैसे बोला यहाँ पे यूजर मैनुअल ओपन हो सकता है इंग्लिश मराठी वाला, और आपको यहाँ पे कैसे कैसे फॉलो करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो, ये पहले आपका जो भी विंडो है वो आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे वो पूछेगा कि सीटी के डिटेल्स जो मैंने रजिस्ट्रेशन के वक्त बोला यही आपको सारा यहाँ पे फॉलो करना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, सिर्फ और फर्स्ट नेम डालोगे तो भी काफी है फादर्स और मदर्स का, तो ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको एड्रेस कौन सा भी, आधार कार्ड वाला ही चाहिए क्या, ऐसा कुछ नहीं, जो भी आपका आधार एड्रेस रहेगा वो जनरल एड्रेस दे दो, पोस्टल कुछ भी कांटेक्ट नहीं होगा, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एडमिशन तक आपके साथ रहना चाहिए, टाइम पास वाला कौन सा भी वहां पे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर मत दो। आपका पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको वो एसएमएस आ जाएगा, और वो ओटीपी डालने के बाद आपको ऐसा कुछ नंबर जनरेट हो जाएगा, वो आपको एसएमएस वाला नंबर प्रॉपर कहाँ पे ना कहाँ पे तो नोट करके रखना है। फिर आपको यहाँ पे लॉग इन करना है,
लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ये सारे बाकी बचे हुए रेड में स्टेप्स दिखाई जाएंगे। तो उसमें आपको टाइप ऑफ कैंडिडेट, अगर आपका 10th और 12th कहाँ से हुआ है ये पूछा जाएगा। आपके आपका पास ये है तो बहुत सारे स्टूडेंट का टाइप ए ही हो जाएगा, पर अगर आपका टाइप ए नहीं है तो बी सी डी आप टाइप देख सकते हो, और उसके साथ आपको कौन से कैटेगरी में आप आते हो वो पता चलेगा, चल जाएगा। OMS मतलब अदर देन महाराष्ट्र स्टेट, ऐसे जो लोग रहते हैं उनके लिए। उसके बाद आपको टाइप ए कैंडिडेट के लिए प्रूफ सबमिट करना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे आपके पास क्या है, महाराष्ट्र, आप महाराष्ट्र हो ये प्रूफ करने के लिए, तो वो आपको पूछा जाएगा। आपने 10th कहाँ से किया है, 12th कहाँ से किया है वो आपको पूछा जाएगा। आपकी कैटेगरी कौन सी है, अगर आपको जनरल मेरिट से तो ओपन सिलेक्ट करो, या फिर आपका अगर कोई स्पेशल रिजर्वेशन है तो वो भी आप उसमें सिलेक्ट करो। यहाँ पे SBC OBC ये सारे रिजर्वेशन है, पर EWS यहाँ पे कहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, दे रहा है। नीचे एक सेपरेट ऑप्शन दिया जाएगा EWS के लिए, अगर आप उसमें यस करते हो तो बाद में देखेंगे कि EWS बन रहा है नहीं बन रहा है। वो अगर EWS इस साल आता है तो वो उसका भी बेनिफिट आपको सभी को दे देंगे। PWD कितना है, कौन सा है डिसऑर्डर, वो यहाँ पे मेंशन करना है। TFWS ऑर्फन ऐसे स्पेशल कोटास के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है, प्रोसीड करना है। 10th के डिटेल्स जैसे मैंने बोला, आप अगर रोल नंबर यहाँ पे डालते हो, आपका ईयर सिलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा, पर अगर आपका ऑटोमेटिकली फिलअप नहीं भी होता है तो आप मैन्युअली उसमें भर सकते हो, क्योंकि स्टेट बोर्ड का तो ये काम हो गया, जिसका CBSE बोर्ड था ICSE बोर्ड था उसको तो मैन्युअली ही इसमें फिलअप करना पड़ेगा। 12th के ही वैसे ही डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करने हैं, अगर आपको ऑटोमेटिकली आ जाते तो ठीक है, नहीं तो आपको मैन्युअली भरना रहेगा। JEE के थ्रू भी आपने अप्लाई किया है, मैं तो बोलूंगा सबको ये करना ही है, तो इन दैट केस आपको कौन से सेशन का आपने दिया था, रोल नंबर आप डालोगे तो वो भी डाटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सेव एंड प्रोसीड आपको करना है। लास्ट में आपका फोटो सिग्नेचर ये आपको अपलोड करना है, और आपका फॉर्म ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, और बाद में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अपलोड करने हैं। जैसे मैंने बोला PDF JPG JPEG ऐसे कौन से भी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो, 500 KB से नीचे वाला ये साइज रहना चाहिए। यहाँ पे आप क्लिक करके व्यू में वो व्यू कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हुआ है फिर से अपलोड करना है तो डिलीट भी करके फिर से नया भी अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए नेशनलिटी सर्टिफिकेट पूछा है, बर्थ सर्टिफिकेट वो एक एज अ प्रूफ पूछा है, 10th का 12th का ये सब पूछा है, CET का तो पूछेंगे नहीं, CET का उनके पास डिटेल्स ऑलरेडी है, JEE का भी स्कैन करके अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में पूछा है। तो ये सर अगर आपका इनकम से TFW से अप्लाई करो तो वो भी ऐड हो जाएगा, कौन सी कास्ट में बिलोंग करते हैं तो वो भी ऐड हो जाएगा। ये सब कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट की विंडो दिखाई देंगी। अगर JEE के मेन के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ JEE मेन थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो ही आपको यहाँ पे 800 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अगर आपको ऑलरेडी आपने CET के सिर्फ CET और JEE दोनों के साथ अप्लाई किया है, आपने JEE दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको 800 रुपीज पे करने की जरूरत नहीं लगेगी। ये फाइनल प्रिंटआउट आपका ऑटोमेटिकली बन ही जाएगा और यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हो सकता है। यहाँ पे नीचे लिखा है इट इज मैंडेट टू कैंडिडेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ही शी नीड्स टू विजिट एनी नियरेस्ट फैसिलिटेशन सेंटर विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म। Only verified application forms will be considered for CAP admission procedure. ये बहुत ही important point है। आपको नियर बाय फैसिलिटेशन सेंटर में रिपोर्ट करना है और आपको उसके बाद ही पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रिंट आउट निकालने के बाद एक आपका काम बचता है कि आपको फैसिलिटेशन सेंटर में जाके रिपोर्टिंग करना है। वैसे ही और एक आपको मतलब ये रजिस्ट्रेशन का पार्ट हो गया और एक आपको PDF मैंने दिखाई, वैसे ही आपको अगर कट ऑफ कहाँ पे है ये भी देखना है। पूरा एक यहाँ पे ब्रोशर भी अवेलेबल रखा है, तो ब्रोशर में सारे रूल्स आप पढ़ सकते हो। फैसिलिटेशन सेंटर की लिस्ट है यहाँ पे, तो आपको देखना है Ctrl+F लगा के कि मुंबई में कितने कितने सेंटर्स है, पुणे में कितने कितने सेंटर्स है, और वहां पे जाके आप रिपोर्टिंग कर सकते हो और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हो। कोविड नहीं है तो इस बार ऑफलाइन वेरिफिकेशन पॉसिबल है, तो ये वहां पे प्रॉपरली मेंशन किया है। तो आपको ये सारे सेंटर्स पे जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है। अगर आप ओल्ड पोर्टल पे चले जाते हो तो ओल्ड पोर्टल पे आपको ये सारे कट ऑफ मिल सकते हैं। वो कैसे जाना है ये भी वहां पे आपको बता देता हूँ। आपको सारे लास्ट ईयर के कट ऑफ कहाँ से चेक करना है, mahaceet.org वहां पे क्लिक करने के बाद आपको दो पोर्टल्स मिलेंगे, कैप पोर्टल और सीईटी पोर्टल। उसमें से आपको सीईटी पोर्टल सिलेक्ट करना है। सीईटी पोर्टल सिलेक्ट करने के बाद राइट साइड पे आपको कैप पोर्टल लास्ट ईयर का
दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद लेफ्ट साइड पे बीबीटेक ये दिखाई देगा, ये लास्ट ईयर का है 2021-2022, और ये क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड पे सारे कोटा वाइज आपको कट ऑफ मिल जाएंगे, राउंड 1K 2K सभी ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा यहाँ पे मिल सकते हैं, वो आपको पीडीएफ के थ्रू मिलेंगे। वो आपको देखने हैं आपको कौन से कॉलेज में इंटरेस्ट है, उसका कट ऑफ कैटेगरी वाइज जनरल ओपन जी ओपन एस मतलब स्टेट कोटा, जनरल SC S वो SC के पहले जी और लास्ट में एस ऐसा रहता है, एस स्टैंड्स फॉर स्टेट कोटा, ऐसे सारे कट ऑफ दिए जाएंगे। ऑटोनॉमस नॉन ऑटोनॉमस ये सभी एक्सप्लेनेशन आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये ऑटोनॉमस नॉन ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी मैनेज डीम्ड ये क्या रहते हैं ऑप्शंस, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाएगा कि आप कौन से फील्ड में जा रहे हो, कैसे कॉलेज में आपको जाना चाहिए, और ये आप कट ऑफ देख के थोड़ा बहुत तो अंदाजा लगा ही सकते हो कि कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज इतना अच्छा नहीं है। सो थैंक यू सो मच, आपने पेशेंटली इतना सुना, और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे मैं चैट बॉक्स में आपको मैसेज कर देता हूँ और मेरा नंबर, या फिर मैं यहाँ पे मेंशन डायरेक्टली नंबर भी बता देता हूँ। एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना मतलब मैसेज मत कीजिए कौन सा भी, नहीं तो मुझे मैसेज ब्लॉक करना पड़ेगा। अगर आपको मेरा नंबर देखना है तो अगर आप ऐसे ही मैसेज डालोगे तो किसी को नंबर नहीं मिलेगा, मैं यूट्यूब चैनल मेरा नंबर और टेलीग्राम की भी चैनल का नेम यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। मेरा नंबर है 7410019074, ये हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे ही कनेक्टेड रहना है, ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। कॉल करने के बाद वेलकम टू अस्मी करियर ऐसा टोन आएगा, व्हाट्सएप अगर आप कनेक्टेड होंगे तो मेरे साथ इसका आंसर डेफिनेटली आपको मिल सकता है 9741001974। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ नेम अस्मी करियर, सो ये भी आपको सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको सारी यूट्यूब वीडियोस टाइमली मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है अस्मी इंजीनियरिंग, इस पे ही आपको सारा इंजीनियरिंग फार्मेसी आर्किटेक्चर के रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो शायद आपको जितना इम्पोर्टेंट पार्ट था वो समझ में आ चुका होगा, मेरे एंड से मैं जितना टाइम दे सकता हूँ डेफिनेटली आपको दूंगा ही। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। अब डायरेक्टली अनम्यूट करके क्वेश्चन कवर करना पॉसिबल नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन का नोटिफिकेशन आ चुका है वो भी काम है, महाराष्ट्र का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है वो भी काम है, तो थोड़ा बिजी रहूंगा, पर आपके जो भी सलाह सुझाव मुझ पे यूट्यूब वीडियो के कमेंट के थ्रू या फिर हमारे नंबर के व्हाट्सएप के थ्रू मिलेंगे वो डेफिनेटली मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा। मेरा नंबर शेयर किया है और उस पे आपको कॉन्टैक्ट करना है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, पर अगर किसी को काउंसलिंग चाहिए तो सॉरी मैसेज में देख रहा हूँ आपके, तो पर्सनलाइज काउंसलिंग देना आप थोड़ा मुश्किल है, पर आपकी इतनी सारी हेल्प कर दूंगा कि आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग की जरूरत ही नहीं लगेगी। सारे प्रेफरेंस आपके सामने इतने प्रॉपरली मैं प्रेजेंट करूंगा मीनवाइल, तो आपको पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत ही नहीं लगेगी, पेड काउंसलिंग की जरूरत ही नहीं लगेगी। यस थैंक यू सो मच, यू कैन लीव द मीटिंग। Thank you, sir. Yes, welcome. Thanks a lot, sir. Yes, welcome. Thank you, sir. Welcome. Sir. एक छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आप जो भी क्वेश्चन रहेगा वो चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, या फिर मैंने नंबर शेयर किया उसको पूछिए, ये पूरा सेशन रिकॉर्ड होने वाला है तो ऑटोमेटिकली ये भी पोस्ट होगा, तो क्वेश्चन से जितने कवर हो सकते हैं मैंने यहाँ पे कवर करने का ट्राई किया है। ओके
यस थैंक यू.